तुम ये बताओ संजय, खोज कितनी? तो बोले, आपके पुत्र के पास से 11 है अक्षोहिणी, और पांडवों के पास बोले 7 अक्षोहिणी। फिर गर्म पड़ गया, अंधा तो अंधा, जब दूने के करीब बहुत जा रही तो कैसे जीत ले। ठीक है ठीक है, तुम युद्ध का हाल बताओ। और पट्ठा गर्दन पकड़ के अपने लड़कों को मरवा डाला। विजय तो वहीं थे जहाँ कृष्ण थे। जब मारे जाए, बोले आज 10,000 फौज आपकी मारी गई। ठीक है, आगे बताओ। आज गांधारी देवी के 10 लड़के मारे गए। बोले अपन लड़का मरे तो यहीं, और वो जो फौजी वो किसी लड़के ही नहीं है। अंत में दुर्योधन मारा गया, था गुमसुम हो गया। बोले संजय आगे बताओ। बोले हमको नहीं दिखाई देता हम कुछ। बोले मैं भीम को कभी माफ नहीं करूंगा। इधर युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों को लेके भगवान पहुंचे धृतराष्ट्र के पास। तो राजन सादर प्रणाम करता हूँ वासुदेव कृष्ण। बोले केशव, विजय किसके भी, आप ही तो कहते थे राजन जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। धर्म पांडवों की तरफ था। बोले कौन कौन खड़े हैं? बोले युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, में वासुदेव कृष्ण और भीम। भीम का नाम लेते ही तो लाल पीला हो गया, कांपने लगा, आंखें चढ़ गई। बोले भीम को लाओ केशव, मैं गले मिलना चाहता हूँ। बोला भीम, अनजान भीम, बड़ा गले मिलने। कृष्ण भगवान ने खींच दिया पीछे से। बोले वो लोहे की मूर्ति रखी, उठा के दे दे। 13 वर्ष तक दुर्योधन इसी मूर्ति पर अभ्यास करता रहा गदा का। भीम ने उठा के दे दिया, लड़ गए लोहे की मूर्ति से। अपने पुत्रों को तो 1000 बार छुआ था, प्रिय दुर्योधन, प्रिय दुशासन, पांडवों के लिए प्रिय अनुज पुत्रों, प्रिय अनुज पुत्रों की झड़ी लगा दिया, छुआ कभी नहीं। यदि एक बार भीम को जिंदगी में छू दिया होता तो आज ये धोखा नहीं खाता। वो सोचा भीम ही है, 100 लड़कों को मार डालते, इतना मजबूत है। वो लोहे से लड़ गया पट्टा, हाथ मुड़ेड़ दिया, उंगलियां मुड़ेड़ दी, गर्दन मुड़ेड़ दिया। 1 किलो बमन किया खून की, बेहोश। तब पांडवों को पता चला, बोले अरे तो भीम को मार डालने के लिए बुला रहा था। और उद्गार फूट पड़े। बोले दुर्योधन, तुम्हारा बदला मैंने ले लिया। बोले तब युधिष्ठिर समझ पाए, हो ज्येष्ठ पिता श्री बदला ले रहे थे। भीम आग बबूला हो गया, बोले कहा मुर्दे कुमारे तो तुम रह दे। फिर होश आया तो बोले, तब सोचा अरे मेरे मुंह से ही बात निकल गई, केशव यहाँ क्या हो गया? मुझ जन्मा अंध से, मंद बुद्धि से, हतभाग्य से क्या अनर्थ हो गया? जैसे कुछ पता ही नहीं उसको। तब कृष्ण बोले, राजन आप जो करोगे वो राजनीति का कोई पाठ होगा, आपने पढ़ा दिया हम लोगों को। तब सोचा कि देवकी पुत्र व्यंग बोल रहा है, कहीं भीमवा बच तो नहीं गया। बोले कौन कौन खड़े हैं? सब खड़े हैं। बोले मेरे द्वारा मारा कौन गया? बोले आप महाबलशाली हैं, महाभारत के योद्धा में सबसे बलशाली आप। आपका पुत्र दुर्योधन 13 वर्ष तक 12-12 घंटे गदा से प्रहार करता रहा,
एक उंगली नहीं टेढ़ा कर पाए इस लोहे के लोह प्रतिमा की, आपने छाती और हाथों की रगड़ से इसको तोड़ मरोड़ के रख दिया, आप महान बलशाली राजन। तब अंधा समझा हमारी हार का कारण ये वासुदेव है, मैं जो योजना बनाता था ये पहले से जानता है। तब चरणों में गिरा, बोले प्रभु क्षमा करें। सब भाइयों ने प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर हमें क्षमा कर दो। बोले नहीं पिताश्री, आपके होते हुए मैं राजा होने का सोच भी कैसे सकता हूँ। आप हमारे महाराजा, हम आपके सेवक हैं। गद्दी से नहीं उतरा, कुछ दिन रहा, एक दिन आधी रात को भाग गया। ये जो धन में कुंडली मार के हम बैठे हैं ना, अपने लिए नहीं लड़कों के लिए, जो लड़कों को गद्दी मिलना ही नहीं धमकाए बैठे। जाने लगा कुंती, गांधारी, विदुर, बड़े शिष्ट लोग थे। हरिद्वार में भजन किया और भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। क्यों? कि गीता सुन ली थी। अर्जुन जिस गीता शास्त्र को जो कानों से सुनेगा वो भी उत्तम लोकों को प्राप्त होगा। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र ने सुन तो लिया था विधिवत संजय के द्वारा। इसलिए सृष्टि में कोई घोल पदार्थ नहीं। अंगद ने कहा, रे मतिमंद रावण, अन्नदान ये रस पीयूषा, अमृत कोई घोल पदार्थ है? उठा के पी लोगे या छिड़क दोगे? सृष्टि मरण धर्मा जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है, एकमात्र आत्मा ही ज्योतिर्मय, मृत्यु से परे अमृत तत्व है, अपरिवर्तनशील है। उसकी प्राप्ति शरीर रूपी घट में होती है। घट में कैसे होती उस साधना? इन्हीं तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा संभव है। इसलिए कुंभ लगते कि कहीं न कहीं से निखर के सामने आवे साधना पद्धति और सबको सुलभ हो जाए। मोक्ष क्या है? कैद से छूटना। बिंदु जी ने एक भजन अच्छा कहा, कैद दुनिया किस अजब, जादू की है टोने की है, जिसमें कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। शाह मुलजम पैर में दोनों ने पहनी बेड़िया, फर्क बस इतना कि एक लोहे की एक सोने की है। बेड़ियां तो दोनों ने पहन रखी है, थोड़े दिन श्रृंगार कर लो फिर राम नाम सत्य। इसलिए मोक्ष जो आवागमन से मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। और कैसे प्राप्त किया जाता है? गीता उसी की साधना है। एक नियत कर्म नियत विधि। कहा जाता है कि लोग यहाँ स्नान इसलिए करते हैं ताकि वो जो 84 लाख योनियाँ हैं उनको तोड़कर अगले जन्म में फिर से मनुष्य का रूप धारण कर ले। ऐसा कुछ नहीं है, ये तीर्थ है। तीर्थ गए एक फल, तुरंत पुण्य लाभ होता है। संत मिले फल चार, अर्धर्म कामोक्ष चारों का रास्ता साफ हो जाता है। और सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो तीर्थ जाने से सब आप धुल जाते हैं, एक पल है, लेकिन हम फिर पैदा कर देंगे, फिर धुलेगा। और संत मिल गए तो फिर पाप से बचने की राह मिल जाएगी। तीर्थ उसे कहते जो हमें भविष्यता से पार कर दे, तार दे। गंगा
विष्णु भगवान से चरण से निकली तो बोले भगवान पापियों का पाप धोते धोते पाप जो मुझ पर चढ़ जाएगा तो मैं कैसे पवित्र होऊंगी। तो बोले मैं संतों के हृदय में बैठ के आऊंगा, उनके चरण पड़ेंगे तो मेरे भी चरण पड़ जाएंगे और तुम फिर शुद्ध हो जाओगे। तो तीर्थ परम पवित्र है। आप लोग चाहे आनाकानी करो ठंडी के मारे, संत लोग नहीं करते, वो अवश्य अवगान करते हैं। इसलिए तीर्थ यहाँ अनंत काल से महापुरुषों ने बड़े बड़े यज्ञ किए। यहीं सती जी ने हवन कुंड में अपना दाह किया था, दक्ष प्रजापति का सिर दोबारे जुड़ा, हर्षवर्धन महाराजा थे, सब कुछ दान दे देते रहे, बहन श्री से उधार कपड़ा लेके घर जाते रहे, सर्वस्व लुटा देते थे। यहाँ समागम होता था संत का, अपनी लफली अपना राग नहीं, एक मंच पर वो चलता रहा बराबर। भरद्वाज आश्रम उसके लिए मशहूर थे, तहाँ हुई ऋषि मुनि संवादा। अंत में जो निष्कर्ष निकलता था वो सभी देशों में प्रसारित हो जाता था कि यही सत्य है। एक बार ह्वेनसांग चीनी यात्री बुद्ध भिक्षु वो समागम में बीस पड़ा तो भारत वालों ने बोले इसको मार डालो, ये तो बड़ा इनाम तो ये ले लेगा। उस समय राज्य था अशोक। अशोक ने कहा मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, जो हिंसा का बढ़ावा देगा उसको मैं तलवार की घाट उतार दूंगा। तलवार की घाट उतार रहा है वो अहिंसा का पुजारी है। शरीर मर गया तो क्या एक वस्त्र बदलेगा, आत्मा तो जीवित है। अहिंसा एक प्रश्न है। तो फिर ये दान पुण्य की जगह विश्व में सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ निष्कर्ष महात्माओं को लेना चाहिए देना चाहिए कि धर्म है क्या। छोटी मोटी साधना तो सभी करते हैं तो आवागमन से मुक्ति मिल जाना मोक्ष से, वो एक परमात्मा की शरण से। ओम का जाप करो चाहे राम चाहे शिव, एक नाम का जाप, और महापुरुषों की सेवा करो, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके, जहाँ श्रद्धा से संबंध जुड़ा है भगवान जानते हैं मुझे पुकार रहा है, तुरंत हृदय से जागृत होकर मार्गदर्शन करने लगेंगे, गुरु भी ढूंढ के दे देंगे। शरण सब बराबर लेकिन सदगुरु एक स्थिति है न पितुली। गुरु महाराज को आकाशवाणी से गुरु महाराज मिले, हमें भी अनुभव में मिला, सबको मिले। और जन्म में फिर से मनुष्य योनि पाएगा, वो केवल मनुष्य योनि नहीं पाएगा, काकभूषण कौआ हो गए तभी भजन चलता रहा, किसी भी योनि रहेगा चलता रहेगा। लेकिन दो चार योनि घूम के फिर वहीं आ जाओगे, भजन शुरू हो गया तो बीच का नाश नहीं है। ईश्वर को धारण करना धर्म है, श्रद्धा समर्पण के साथ आरंभ हो गया, भगवान थोड़ा रोकथाम करने लगे, ऐसे चल ऐसे बैठ ये भजन ऐसे कर ये खतरा सावधान, तब बीजारोपण हो गया। अब कितना भी जन्म लेना पड़े घूम फिर के वहीं आ जाओगे, क्योंकि आरंभ का नाश नहीं,
माया स्वरचित घटा बढ़ा सकती है, भगवान के द्वारा रचा हुआ देख ही नहीं पाती, नष्ट कैसे करेगा। कर्म क्या है? क्या ये सच है कि आप अपने जीवन में अच्छे या बुरे जो भी कार्य करते हैं, अपने जीवन में के अंत तक वही सब चीज़ें प्राप्त करते हैं? नहीं। लोगों ने जीवन में कितने अनुमान लगाए, अरमानों ने बाग लगाया, उम्मीदों ने महल बनाया, फिर जब आंधी चली तो उड़ बालू की बीत गई। यहाँ जो कुछ कर रहा है वो समाज में जीवन यापन की एक श्रृंखला है लंबी, वो राजा हो चाहे प्रजा। ये तो बाबा तो भी एक भटकाओ, ये मिली गया तो क्या मिला? ऐसा नहीं, यदि भजन स्वल्प पार लग गया, कर्म दो कदम चलते बन गया, तो अगले जन्म में आकंठ विषय में डूबा हुआ होने पर भी उसके बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है, पिछले जन्म जहाँ छूटा था साधन, फिर साधना चलने लगती है, कुछ एक जन्म के अंतराल से वहाँ पहुँच जाता है जिसका नाम परम धाम है, अमृतमय पद है। कर्म गीता से कर्म, कर्म के नाम पर अम्बेडकर ने कहा, गांधी जी का उपट सागरित था, मैं धर्म बदलता हूँ। बोले भाई मत बदलो। तो बोले वर्ण क्या है? बोले तू गीता में है, ये तो रहेगा। और 7 लाख करीब अनुयायियों के साथ बुद्धिस्ट हो गया। गांधी जी ने कहा फिर हिंदू में से कोई धर्म निकला उसमें जाओ, तो बुद्धिस्ट हो गया। 1 महीना 2 दिन बुद्धिस्ट होने के बाद जिया फिर से ही छूट गया। 1 महीना 2 दिन में जितना बुद्ध धर्म सीख लिया हो। गांधी जी भी नहीं जानते थे कि वर्ण क्या है, और गीता माता थी। कुछ दिन तो नोटों पर आपके भारत में चलता रहा गांधी जी का फोटो, फिर पता नहीं कैसे उखाड़ के फेंक दिया। गांधी जी कहते गीता मेरी माँ है। कभी कभी क्या ऐसा लगता है युद्ध हुआ ही नहीं। बिनवा ने कर्म की परिभाषा, हजारों हजारों महापुरुषों ने परिभाषा दी अपने अपने ढंग से, लेकिन अक्सर से भगवान क्या कहते हैं, ऐसा ते भी हिता सांख्य बुद्धि योग्य ते माम सुनो, बुद्धियायुक्त हो ये अपार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसी। अर्जुन वो आत्मा शाश्वत है, अमृत तत्व है, बिरला ही महापुरुष उसको प्रत्यक्ष देखते हैं, बिरला ही महापुरुष इसके रहस्य को बताते हैं। बहुत से तो सुनकर भी नहीं जानते, क्योंकि मोह का दबाव तगड़ा होता है, वो आगे बढ़ नहीं पाते। और क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम युद्ध कर नहीं करोगे तो तुम्हें भेष से उपराम हुआ समझेंगे। जित्वा वा भोक्षे से महिम अत्वा वा प्राप्सि स्वर्गम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। जीत जाओगे तो महामहिम स्थिति पा जाओगे। महिमन पारंते परम विदुषो यत्य सदृशी। और हार जाओगे तो इंद्रपद तुम्हारे मुट्ठी में है, देवलोक तो कहीं गया नहीं। हार में देवत्व, जीत में सर्वस्व,
लाभ हानि जय पराजय को ध्यान में रख कर अपने बलाबल का निर्णय लेके युद्ध में युद्ध कर, यह है ज्ञान मार्ग।